एक ही गाड़ी होनी चाहिए तब लगता है कि हम लोग कुछ समर्पण कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ मुंबई में आकर, मैं कुछ सामान लेने के लिए गया था, उसने मुझे थैली नहीं दी, बोलो शिराज ताली बजानी पड़ेगी। मैंने उसको 500 रुपए ज्यादा दिए, मैंने कहा तूने नहीं तू मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या माजरा, सुनता नहीं क्यों मेरी भला इतना बता दे क्या मेरा है पिछले साल गए तारे भवन पे जंगल मेरा से अपने आप से जुड़ेगा तो किसी भक्त को या किसी भी साधन को आनंद नहीं आएगा। तो प्रत्येक बाबा साधु संत कथावाच्य भजन गायक का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो सीधा भगवान से हो, यानी परमात्मा से हो। तो जैसे ही वो परमात्मा से जुड़ने लग जाएगा और यही कहेगा कि जो कुछ भी है वो ही है, इम्पोर्टेंस परमात्मा की है, खुद की नहीं है। पर आजकल हम लोग क्या करते हैं, मैं भी हो गया कोई भी, आजकल हम सब लोग कहते हैं अपने आप से जुड़े, अपने अनुयायी बनाते, अपने चेले बनाते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चेला बनाओ अनुयायी बनाओ तो क्या परमात्मा को बनाना चाहिए ताकि उनका कल्याण, हम लोग हमारा खुद का कल्याण नहीं कर पाते। हम लोग स्वयं उन चीज़ों को उलझे हुए हैं, दूसरे को क्या उसमें से निकाल सकते हैं। ये है मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ, मैं जिनके साथ में कीर्तन करता हूँ सत्संग करता हूँ मंडी में भी आए तो मैं लोगों को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से ये लोग इतने आनंद में इतने उत्साहित हैं, पहली बार मुझे तो भी लोगों को अच्छा लगा। रीज़न है कि प्रकृति से कहीं ना, इसलिए जितना हो सके प्रकृति से जुड़ना चाहिए। अभी बात करें तो मुंबई में आप एक दिन का प्रोग्राम दे रहे हैं लगातार हर महीने में, कैसी तैयारियाँ होगी और कहाँ कहाँ आपके कार्यक्रम हैं?
कार्यक्रम शिव एक दिन का नहीं, जैसे हर एक महीने से पहले शिव महापुराण की तैयारी चल रही है। ऐसे नानी भाई के बारह मायरा नानी मंदिर में मलाड़ीस में और भी ऐसे कई शेड्यूल हैं। बाकी में लाइव टेलीकास्ट भागवत जी होने जा रहे हैं कार्यक्रम संस्था के द्वारा। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किए, इसी वजह से यहाँ पर आना चाहिए। भैया जी के लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द है उनके लिए। हाँ, क्योंकि कई आपने भजन सुने होंगे कई आध्यात्मिक सत्संगों को। हम लोग बहुत कम अच्छे से उनको पहचानते नहीं है अभी तक, पर जैसे जैसे उनके सानिध्य में रह रहे हैं वैसे वैसे उनको जान रहे हैं, और जैसा आप लोगों के सामने जो चीज़ें आ रही है वही चीज़ हम लोगों के सामने। बहुत झूम रहे थे आप, हमने देखा पूरे भजन में, क्या कहना चाहेंगे? ये हम नहीं है, हमारे अंदर से वो चीज़ें निकल रही है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जब एक ही बार में मैंने भी ऐसे ही कहीं देखा था रूप, और जब ही जो रूप देखा है शायद किसी ने नहीं देखा, कृष्ण रूप मेरे हृदय में है और सदा उनको वही चीज़ों में और उसी प्रकार मैं उनके साथ चलती रहूँगी। यही मेरी भावना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी भक्ति है। राधे राधे। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे भैया जी के बारे में? भैया जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने भी 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल ये सब दुनिया देखते देखते हो गया मेरा। ऐसा भजन मंत्र गायक, ऐसा भगवान के प्रति आस्था रखने वाला, शुद्ध आचरण, ऐसा करैक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है, और जिसके सब समझ में आते हो भजन के। नहीं तो भजन गायक बहुत है जिनके शब्द ही नहीं समझ जाते हैं, वो क्या गा दिया और क्या बज गया और क्या चला गया। बहुत शुद्ध, जैसा कि आपने कहा कि इनके दर्शन सुनने के लिए आप मीरा रोड भाईंदर अलग अलग जगह आज अपने इस प्रांगण में बैठे हैं खुद। मैं बोलता हूँ ये सौभाग्य हमारा, और आने वाला समय भैया जी को बहुत बहुत याद रखेगा। समझ लो हर जगह भैया जी की चर्चा होगी, जहाँ मुंबई में अगर जहाँ जहाँ भजन होगा भैया जी का, जिसने सुन लिया वो भैया जी के पीछे चल पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी ने डंडी उठाई थी ना, उसके पीछे पीछे रास्ते चलते रहे लोग, ऐसे भैया जी ने जिधर जिधर भजन गा दिया उधर मजमा शुरू हो गया। थैंक यू।